तो अगली खबर जनपद वाराणसी से है। यहां मादक पदार्थों के तस्करी के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत वाराणसी कमिश्नरेट के गोमती जोन अंतर्गत पड़ने वाले थाना मिर्जा मुराद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के दो शराब तस्करों सहित लगभग 35 लाख रुपए की कीमत की 491 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और ट्रक बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि अवैध अंग्रेजी शराब फर्जी नंबर प्लेट और बिल्टी के माध्यम से बिहार और भुवनेश्वर ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई में शराब बरामद करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए, अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ शासन और आदरणीय पुलिस महानिदेशक की तरफ से हम लोग को बराबर निर्देश मिलते रहते हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने हमारी पुलिस टीम ने एक गुडवर्क किया है। कल रात को एक ट्रक को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है जिसमें कि 491 पेटी अंग्रेजी शराब की, जो कि ये राजस्थान से लेकर के बिहार और उड़ीसा की तरफ जा रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया है, जिसकी बाजार की वैल्यू लगभग 35 लाख रुपये है। और इसके साथ दो मुलजिम भी गिरफ्तार हुए हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, और इन लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत कर लिया गया है और इनको अब आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सर, ये कहाँ से इसको पकड़ा गया और सर इसकी अनुमानित कीमत सर कितनी है? देखिए, ये नुसार ग्राम है, डंगहरिया फुट ओवर ब्रिज है मिर्जा मुराद थाने का, और इनको वहीं से इंटरसेप्ट करके इनके ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया। ये ट्रक में इन्होंने जो धान का लावा होता है उसके नीचे इनके जो इन्होंने अपने शराब की पेटियों को छुपा के रखा था, और ये टोटल 491 पेटी शराब है, अंग्रेजी शराब है, जो कि पंजाब में बिकने के लायक थी और कहीं उसको बेचना नहीं था, लेकिन ये अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे। जिस और ये शराब की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये।